हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया गया है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। मीथेन पहला मेंबर है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ट्रिक है। मिथ मिथ यूज होता है ना यहाँ पर, होमोलोगस सीरीज के बारे में बात हो रहा है मिथ। तो अगर ANE ऐड है तो मिथ होता है कार्बन जब एक प्रेजेंट रहता है तो उसके लिए मिथ होता है, और एल्केन जो होता है ANE, ये सफिक्स है एल्केन का, एल्केन ग्रुप का सफिक्स होता है ANE, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो अगर मीथेन का फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूला पे मिथ मतलब कि कार्बन 1, तो n का वैल्यू यहाँ पे जो होगा वो n का वैल्यू हो जाएगा 1। तो C1H2 × 1+2, तो C1H2+2 C1H4। तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो, CH4 होता है, और अगर फॉर्मूला से पुट करके निकालना चाहते हो तो आपको निकल जाएगा CH4। तो मीथेन का फॉर्मूला जिसका है CH4, इसका होमोलोगस सीरीज, अगर होमोलोगस सीरीज देखोगे तो इसमें होमोलोगस सीरीज में होता है क्या कि कार्बन का नंबर एक बढ़ता है और हाइड्रोजन दो बढ़ता है, तो CH2 बढ़ता है और दोनों तरफ बॉन्ड खाली रहता है। अगर इसका सेकेंड मेंबर नहीं है, फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर मीथेन है, तो सेकेंड मेंबर क्या होगा? अगर इसमें CH2 ऐड कर दें तो ये सेकेंड मेंबर हो जाएगा, तो कार्बन टोटल हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन हो जाएगा 6। या फिर एन में 1 नंबर ऐड कर दो, एन में एक ऐड कर देते हैं, एन का वैल्यू 1 है, इसमें एक और ऐड कर देते हैं, तो एन का सेकेंड मेंबर ये हो जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा 2। और अगर इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं CnH2n+2, तो ये हो जाएगा C2H2 × 2+2, ये हो जाएगा C2H4+2 मीन C2H6, तो सेकेंड मेंबर हो जाएगा C2H6। तो हम लोग लिख सकते हैं द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज इज C2H6। इसका नाम जो होता है वो होता है इथेन, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। और थर्ड मेंबर का भी नाम लिखना है, तो एन का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और CnH2n+2 पर अगर पुट करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है C3H8। ओके, एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड कार्बन, थर्ड मेंबर जो होगा वो हो जाएगा C3H8, जिसका नाम होता है प्रोपेन। या फिर आप इसी में C2H6 में CH2 होमोलोगस सीरीज जो CH2 हम लोगों ने पढ़ाया है वो ऐड कर दो, तो कार्बन 2 यहाँ, कार्बन एक, कार्बन ये, कार्बन 3 और हाइड्रोजन यहाँ भी 8, दोनों तरह से ये सही है। और हम लोग इसी चीज को पूछा गया है और हम लोग इसी को आंसर कर रहे हैं। हम लोग लिख सकते हैं द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन इज इथेन C2H6 एंड प्रोपेन C3H8। दैट्स ऑल, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।